अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिसीजन ट्रीज के एक और एल्गोरिदम की, विच इज नाउन एज कार्ट और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। दिस कार्ट एल्गोरिदम यूज जीनी इंडेक्स एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। इसके अलावा हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग एक डाटा सेट से डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग कार्ट एल्गोरिदम और बाय यूजिंग जीनी इंडेक्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया C4.5 एल्गोरिदम ऑफ डिसीजन ट्री इंडक्शन, जिसमें हमने बात की कि C4.5 एक्चुअली गेन रेशियो को यूज़ करता है एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। इसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, जिसमें C4.5 एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमने एक डाटा सेट से डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किया था। सो आज के इस लेक्चर में हम कार्ट एल्गोरिदम को डिस्कस करने वाले हैं। कार्ट इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। जैसा कि हमने पहले बात की, फर्स्ट एल्गोरिदम जो हमने डिसीजन ट्री का यूज़ किया या स्टडी किया, जिसके बारे में, वो था ID3 एल्गोरिदम। तो उसमें हमने बात की थी कि ID3 एल्गोरिदम यूज़ करता है इंफॉर्मेशन गेन को एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। और उसके साथ साथ हमने उस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि ID3 एल्गोरिदम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ID3 एल्गोरिदम उन एट्रीब्यूट्स को फेवर करता है, उन एट्रीब्यूट्स की तरफ बाइस्ड है, जिनकी नंबर ऑफ आउटकम्स या जिनकी नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनकी नंबर ऑफ आउटकम्स कम होती हैं। मीन्स एक्चुअली जो भी हम लोग ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारों का पर्पज़ क्या है कि ये एट्रीब्यूट्स को रैंक करते हैं, उनको स्कोर असाइन करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट बेस्ट स्प्लिट करता है हमारे डाटा सेट को, और उसका हम लोग डिसीजन ट्री का रूट नोड बना देते हैं। उसके बाद फर्दर जो पार्टीशंस होती हैं उनमें, उनके लिए हम लोग बेस्ट नोड सेलेक्ट करते हैं यूजिंग दीज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। सो उसी स्नैरियो में या उसी केस में जब ID3 को यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो उन एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा फेवर करता है जिनकी नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा होती हैं। सो इस इशू या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने स्टडी किया एक और एल्गोरिदम जो कि C4.5 है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं गेन रेशियो को एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। अब वो जो ड्रॉबैक था ID3 एल्गोरिदम का कि ये उन एट्रीब्यूट्स को फेवर करता है जिनका नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा होती हैं, मीन्स उनका गेन ये ज़्यादा कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए गेन रेशो की एक टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई या यूज़ होती है C4.5 एल्गोरिदम में, जो कि एक्चुअली एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है इंफॉर्मेशन गेन की। अभी नॉर्मलाइज्ड क्या है, हम इन्फॉर्मेशन गेन को डिवाइड करते हैं स्प्लिट इन्फो या स्प्लिट रेशियो ऑफ ए एट्रीब्यूट। अब ये स्प्लिट इन्फो क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया C4.5 एल्गोरिदम के अंदर, कि स्प्लिट इन्फो उस एट्रीब्यूट का ज़्यादा होता है जिसके नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा होती हैं, और उन एट्रीब्यूट्स का स्प्लिट इन्फो की वैल्यू कम होती है जिनकी नंबर ऑफ आउटकम्स कम होती हैं। सो अब जो ID3 एल्गोरिदम जिन एट्रीब्यूट्स को फेवर कर रहा था जिनकी नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा होती हैं, तो हम उसके गेन को डिवाइड कर रहे हैं ज़्यादा बड़े नंबर से C4.5 के अंदर, और जिन एट्रीब्यूट्स की नंबर ऑफ आउटकम्स कम हैं तो उनको हम लोग एक स्मॉल नंबर से, उसके गेन को हम लोग स्मॉल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सो इस तरह से वो जो इशू था बाइसनेस का या फेवर जो ID3 एल्गोरिदम करता है, वो रिजॉल्व हो जाता है इन C4.5 एल्गोरिदम, क्योंकि गेन रेशियो एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है इंफॉर्मेशन गेन की फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स। इसमें किसी एट्रीब्यूट को कोई फेवर नहीं मिलती, कि चाहे उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स ज़्यादा हैं या उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कम है। लेकिन वो इशू तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन C4.5 एल्गोरिदम का एक अपना या गेन रेशियो का एक और ड्रॉबैक है, वो ये
कि इट टेंड्स टू प्रेफर अनबैलेंस्ड स्प्लिट्स इन विच वन पार्टीशन इज मच स्मॉलर देन दी अदर्स। इसका मतलब क्या है कि C4.5 एल्गोरिदम, अब इसका मतलब क्या है कि C4.5 एल्गोरिदम उन सिनेरियोज में प्रेफर करता है जिसमें स्प्लिट्स या जो पार्टीशंस हमारी होती हैं वो अनबैलेंस्ड होती हैं, मींस कि एक पार्टीशन में ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स या रिकॉर्ड्स होते हैं जबकि दूसरी पार्टीशन में नंबर ऑफ सैंपल्स कम होते हैं। मींस के जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन में जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाता है, लाइक ये कोई एट्रीब्यूट है उसकी दो आउटकम्स थी और उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा सेट को स्प्लिट कर लिया। ओके अब ये क्या है C4.5, यहाँ पे थोड़ा इशू क्रिएट करता है कि जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ सैंपल्स एक पार्टीशन में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दी अदर। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अनदर एल्गोरिदम विच इज नाउन एज कार्ट और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एक्चुअली ये क्रिएट करता है बाइनरी ट्री, रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे ट्री कंस्ट्रक्शन को कि ये ट्री बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी मतलब कि जैसा कि हमने प्रीवियस दो एल्गोरिदम में बात की कि कोई एट्रीब्यूट है तो उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स जितनी भी हैं, थ्री हैं तो उसकी थ्री ब्रांचेस बनेंगी उस एट्रीब्यूट के लिए, फोर हैं तो उसकी फोर ब्रांचेस बनेंगी। मीन्स के मल्टी वे स्प्लिट करते हैं C4.5 एंड ID3, जबकि जो कार्ट एल्गोरिदम है ये सिर्फ बाइनरी ट्री अलाउ करता है, चाहे उस एट्रीब्यूट की फोर आउटकम्स हैं, फाइव हैं, सिक्स, जितनी मर्जी आउटकम्स हैं, इसने सिर्फ उसको टू सबसेट्स के अंदर इसको स्प्लिट करना है, टू वे स्प्लिट करता है। ओके सो दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि कार्ट क्रिएट्स अ बाइनरी ट्री। सो इट इम्प्लीमेंट्स जीनी इंडेक्स एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, मीन्स के इसमें जिस तरह C4.5 में गेन रेशियो एज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज़ किया जाता है, ID3 के अंदर इंफॉर्मेशन गेन एज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज़ करते हैं, उसी तरह कार्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स को रैंक करने के लिए, उनको स्कोर असाइन करने के लिए, बेस्ट एट्रीब्यूट चूज करने के लिए जीनी इंडेक्स एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज़ किया जाता है। ओके सो जीनी इंडेक्स को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? सो इफ अ डेटा सेट डी कंटेन्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम एन क्लासेस, सो जीनी इंडेक्स इज डिफाइंड एज जीनी ऑफ डेटा सेट डी इज इक्वल टू 1 माइनस सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एम एंड पी ऑफ आई। आई क्या है और पी ऑफ आई इज दी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इन अ डेटा सेट। सो इसको ब्रेक करके हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो आई होप कि आप लोग फेमिलियर होंगे इन टर्मिनोलॉजी से कि एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। एग्जाम्पल्स एक्चुअली आपकी जिस तरह टेबल के अंदर रोज होती हैं या रिकॉर्ड्स हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग सैंपल्स भी बोलते हैं समटाइम्स, हम इसको इंस्टेंसेस भी बोल रहे होते हैं। सो ये सारी सिमिलर टर्मिनोलॉजीज हैं। सो इफ अ डेटा सेट डी कंटेन्स सैंपल्स और एग्जाम्पल्स और यू कैन से ए रोज फ्रॉम एन क्लासेस, लाइक आपका डेटा सेट है उसके अंदर 50 रोज हैं, मीन्स कि 50 एग्जाम्पल्स हैं और उसकी कोई एन क्लासेस हैं, क्लासेस मीन कि आपका कोई एक आउटपुट एट्रीब्यूट है और इसके अंदर फोर क्लासेस हैं, फाइव क्लासेस हैं या एन क्लासेस हैं। सो जीनी इंडेक्स क्या होगा? सो उस एन के लिए जितनी उसकी क्लासेस होंगी उसको उतनी बार ये फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे। लाइक अगर टू सैंपल्स टू क्लासेस हैं और उसकी 20 सैंपल्स हैं, सपोज 20 सैंपल्स हैं और टू क्लासेस हैं, एक क्लास में 15 सैंपल्स हैं और दूसरी क्लास के 5 सैंपल्स हैं, तो उसका जीनी इंडेक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो क्या है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ देयर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीन्स के 1 माइनस पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 15/20 के पहली क्लास पूरे डाटा सेट के अंदर कितनी बार अक्कर हुई है वो कहलाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 15/20 का स्क्वेयर 20 स्क्वेयर माइनस
दूसरी क्लास की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 5 टाइम्स अक्कर हुई है पूरे डाटा सेट के अंदर। पूरे डाटा सेट कितना है, 20। सो 5 बाय 20 का स्क्वायर। सो ये जीनी इंडेक्स होगा आपके इस डाटा सेट का, जिसमें 20 सैम्पल्स हैं और 2 क्लासेस हैं। एक क्लास में 15 सैम्पल्स हैं, दूसरी क्लास में 5 सैम्पल्स हैं। ओके इसके बाद इफ अ डेटा सेट डी इज स्प्लिट ऑन ए एट्रीब्यूट इंटू टू सबसेट्स विच इज D1 एंड D2, द जीनी इंडेक्स इज डिफाइंड एज। ये जो पहले हम लोग जीनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, या जीनी ऑफ डेटा, ये पूरे डेटा सेट का जीनी इंडेक्स है। लेकिन जब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी कार्ट एल्गोरिथम की, क्या है कि ये डेटा सेट को दो सबसेट्स के अंदर डिवाइड करता है। मीन्स के चाहे किसी एट्रीब्यूट की 5 आउटकम्स हैं, 10 आउटकम्स हैं, 50 आउटकम्स हैं, ये क्या करेगा, सिर्फ उसको टू सबसेट्स के अंदर ही अलाउ करता है एक्चुअली, क्योंकि हम एट द एंड डिसीजन ट्री भी बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हर एट्रीब्यूट मैक्सिमम टू सबसेट्स के अंदर डेटा सेट को स्प्लिट कर सके, कि हर एट्रीब्यूट की मैक्सिमम 2 आउटकम्स हो सके, हर एट्रीब्यूट की मैक्सिमम 2 ब्रांचेस हो सके। ओके तो उसके लिए हम हर एट्रीब्यूट को स्प्लिट करते हैं 2 सबसेट्स के अंदर। ओके सो उसके लिए उस एट्रीब्यूट का जीनी इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सपोज उसको हमने किसी एट्रीब्यूट को 2 डेटा सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, D1 एंड D2। तो उस एट्रीब्यूट का जीनी इंडेक्स क्या है उस डाटा सेट के अंदर, के पहले डाटा सेट की पोर्शन या परसेंटेज, अगर यही बात करें कि 20 सैम्पल्स डाटा सेट में टोटल हैं और 5 एक क्या पार्टीशन है और डाटा सेट D1 में है और 15 दूसरे डाटा सेट में है, तो क्या होगा, 5 बाय 20 जीनी ऑफ डाटा सेट D1। तो यहाँ पे अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे उन 5 सैम्पल्स के लिए, प्लस D2। D2 के अगर 15 सैम्पल्स हैं तो 15 बाय 20 जीनी ऑफ D2। अब उन 15 के लिए अगेन यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। मीन्स कि हमने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया, दो पूरे डाटा सेट को, कंप्लीट डाटा सेट को हमने 2 डाटा सेट्स के अंदर उसको स्प्लिट कर लिया, D1 एंड D2 अकॉर्डिंग टू देयर सबसेट्स या उसके पार्टीशंस। ओके तो उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है, रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। रिडक्शन इन इम्प्योरिटी एक्चुअली इसको हम लोग किसी एट्रीब्यूट की, जब हम लोग इसको रैंक करते हैं तो उसके लिए हम लोग रिडक्शन इन इम्प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। वो क्या है, सिंपली हम लोग डेटा सेट के जीनी इंडेक्स में से हम लोग उस एट्रीब्यूट का जीनी इंडेक्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास रिडक्शन इन इम्प्योरिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब वो एट्रीब्यूट यूज होगा रूट नोड सेलेक्ट के लिए, सिलेक्ट होगा या बेस्ट स्प्लिट होगा जिसका रिडक्शन इन इम्प्योरिटी मैक्सिमम होगा, जिसका रिडक्शन इन इम्प्योरिटी मैक्सिमम होगा। द एट्रीब्यूट दैट मैक्सिमाइजेस द रिडक्शन इन इम्प्योरिटी इज सिलेक्टेड एज द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। ये तो हो गया कि हमने एट्रीब्यूट, बेस्ट एट्रीब्यूट किस तरह सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन जब हमने इस डेट एट्रीब्यूट के, किसी एक एट्रीब्यूट के नंबर ऑफ स्प्लिट्स करने हैं, सबसेट्स बनाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सबसेट बने। अगर किसी डेटा सेट, किसी एट्रीब्यूट की 3 आउटकम्स हैं तो उसके 8 सबसेट्स बनेंगे, किसी एट्रीब्यूट की 4 आउटकम्स हैं तो उसके 2^4 उसके सबसेट्स बनेंगे। अब उस 16 सबसेट्स में से या 8 सबसेट्स में से हमने कौन सा सबसेट चूज करना है, उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है, जीनी ऑफ दैट एट्रीब्यूट। सो और इक्विवेलेंटली हैज द मिनिमम जीनी इंडेक्स। सो वो एट्रीब्यूट का वो सबसेट ऑप्टिमल होगा जिसकी जीनी इंडेक्स सबसे कम होगा। सो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सो इसमें जब हम एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो अभी के लिए जैसा आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो जीनी ऑफ एट्रीब्यूट है, ये उस एट्रीब्यूट के ऑप्टिमल सबसेट को चूज करने के लिए यूज किया जाता है, और वो सबसेट चूज होता है जिसका जीनी इंडेक्स सबसे कम होता है। दूसरी तरफ जब हम लोग एट्रीब्यूट्स के ऑप्टिमल सबसेट चूज कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है कि कौन सा एट्रीब्यूट ऑप्टिमल होगा।
पहले तो कंपटीशन था एट्रीब्यूट के सबसेट्स के बीच में, एक एट्रीब्यूट के सबसेट्स के बीच में। उसके बाद हमारा कंपटीशन होता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में। सो उन एट्रीब्यूट्स में से चूज करने के लिए बेस्ट एट्रीब्यूट को हम लोग रिडक्शन इन इम्प्योरिटी को यूज करते हैं। सो यहाँ पे वो एट्रीब्यूट चूज होता है जिसका मैक्सिमम रिडक्शन इन इम्प्योरिटी होता है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल ही डाटा सेट है। इस पे हमने नौ, इस केस में हमने कार्ट एल्गोरिदम अप्लाई करना है, इन अदर वर्ड्स जीन इंडेक्स को यूज करना है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री फ्रॉम दिस डाटा सेट। सेम डाटा सेट है जिसमें 14 टोटल सैंपल्स हैं, 9 सैंपल्स बिलोंग करते हैं यस क्लास से एंड 5 सैंपल्स बिलोंग करते हैं क्लास नो से। और कंप्लीट डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद ये एक सैंपल गिवन है जिसकी क्लास हमें मालूम नहीं है, उसके लिए हमने उस डिसीजन ट्री से जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उससे हमने प्रडिक्ट करना है या क्लासीफाई करना है इस सैंपल को कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ओके सो ये फार्मूलाज हैं जो इस एग्जाम्पल के अंदर यूज होंगे। दिस इज फॉर टू कैलकुलेट जीनी इंडेक्स ऑफ द डेटा सेट, दिस इज टू कैलकुलेट द जीनी ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एंड दिस इज फॉर रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। सो लेट स्टार्ट। ये डेटा सेट है हमारे पास, इसमें टोटल 14 सैंपल्स हैं, 9 यस क्लास से बिलोंग करते हैं, 5 9 सॉरी यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड 5 क्लास से बिलोंग करते हैं नो से। तो इसका जीनी क्या होगा? सिंपली 1 माइनस 9 बाय 14 स्क्वेयर, क्योंकि 9 यस के सैंपल्स हैं और टोटल 14 सैंपल्स हैं, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी यस क्लास की? 9 बाय 14 स्क्वेयर माइनस दूसरी क्लास नो की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है इस डाटा सेट में? 5 बाय 14 स्क्वेयर, सो इज इक्वल टू 0.459। ये था पहला स्टेप के डाटा सेट का जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हमने बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए जीनी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, मीन्स के एज के लिए, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, इन सब के लिए हमने जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम लोग ये सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे, जीनी ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। ओके सो सपोज हमने पहले कंसिडर किया एज के एट्रीब्यूट को, एज का एट्रीब्यूट लिया जिसकी तीन आउटकम्स हैं, यूथ, मिडल एज एंड सीनियर। तो एज यू नो कि कार्ट एल्गोरिदम में हम लोग बाइनरी स्प्लिट करते हैं। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो एज के एट्रीब्यूट की क्या है? तीन आउटकम्स हैं, ये तीन इसके ब्रांचेस बनेंगी एज के एट्रीब्यूट के लिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते। हमने क्या करना है, कार्ट एल्गोरिदम में हमने जस्ट टू ब्रांचेस या टू सबसेट्स के अंदर इसको स्प्लिट करना है। ओके तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सबसेट्स बना लेते हैं, यूथ एंड मिडल एज, यूथ एंड सीनियर, मिडल एज एंड सीनियर, यूथ, मिडल एज एंड सीनियर, ये इसके सिक्स सबसेट्स हो गए इस सेट के। एक्चुअली सबसेट्स तो 2^n होते हैं, लाइक यहाँ पे 2^3 होगा 8। तो हम एक पावर सेट यूज नहीं कर रहे और एक एम्प्टी सेट को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो यूज नहीं हो सकते इन एट्रीब्यूट सेक्शन में। ये सो हम बाकी ये सिक्स सैंपल सिक्स सबसेट्स बचते हैं, तो हम इनके लिए वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे जिनी ऑफ एट्रीब्यूट। सो अगर हम लोग यूथ एंड मिडल एज पे इस डाटा सेट को स्प्लिट करें, मीन्स के यूथ एंड मिडल एज एक ब्रांच पे रखें और रिमेनिंग जो होगा उसको दूसरी साइड पे रखें, तो यूथ एंड मिडल एज अगर एक ब्रांच पे आ रहा है तो रिमेनिंग आउटकम क्या हो सकती है? वो ऑब्वियसली सीनियर रिमेनिंग बचा हमारे पास, तो वो दूसरी ब्रांच होगी। तो ये टू सबसेट्स बन गए। तो D1 वो सैंपल्स होंगे इस डाटा सेट के अंदर जो यूथ एंड मिडल एज से बिलोंग करते होंगे, एंड D2 के वो सैंपल्स होंगे जो सीनियर से बिलोंग करते होंगे। तो यूथ एंड मिडिल एज के टोटल सैंपल कितने हैं? कितने हैं अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 सैंपल्स हैं D1 के। सो 9 बाय 14 ये टर्म हो गई। अब D2 बाय 14 क्या है? 14 तो हमारे टोटल आउटकम्स हैं, टोटल सैंपल्स हैं। सो D2 के कितने हैं सीनियर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये 5 आया वहां से। अब ये पार्ट तो हो गया क्लियर।
अब जीनी ऑफ डी वन क्या है, जीनी ऑफ डी टू क्या है, ये वही है जो हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने देखना है इन 9 सैंपल्स के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में टोटल 14 के लिए देखा था, अब हमने इन 9 के लिए अलग से देखना है और इन 5 के लिए अलग से देखना है। मीन्स कि इन 9 सैंपल्स में से कितने यस हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, कितने नो क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड इस 5 में कितने यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड कितने सैंपल्स नो क्लास से बिलोंग करते हैं। सो अगर इस 9 की बात करें तो 9 में से यूथ एंड मिडिल एज के लिए देखें तो ये दोनों यूथ के सैंपल्स हैं, दोनों नो से बिलोंग कर रहे हैं, मिडिल एज यस से बिलोंग कर रहा है, अगेन मिडिल एज यस से बिलोंग कर रहा है, यूथ नो से बिलोंग कर रहा है, यूथ अगेन यस से, यूथ अगेन यस, मिडिल एज अगेन यस, मिडिल एज अगेन यस। तो क्या है, 1, 2, 3 सैंपल्स नो के हैं एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। सो 6/9² -3/9², ये जीनी ऑफ डी वन हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली डी टू क्या है कि इन 5 सैंपल्स में से कितने सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग करते हैं, कितने नो क्लास से बिलोंग करते हैं। सो वो आप इसको टैली कर सकते हैं, 3 सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग करते हैं, 2 सैंपल्स नो क्लास से बिलोंग करते हैं। सो 3/5² -2/5², सो आंसर आया हमारा 0.4571। ये जीनी ऑफ एज बिलोंग कर रहे जब यूथ एंड मिडल एज से, तो इसका आंसर है 0.4571, जो कि इक्वल है जीनी ऑफ एज बिलोंग टू सीनियर। सो उसके बाद हम नेक्स्ट सबसेट के लिए कैलकुलेट करेंगे। इन सारे सबसेट्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है। आप यूथ एंड सीनियर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, डी वन डी टू सेम कैलकुलेशंस करेंगे। डी वन में हमारे पास 10 सैंपल्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये 10 सैंपल्स वो हैं जो कि यूथ एंड सीनियर से बिलोंग कर रहे हैं, और डी टू में हमारे पास 4 सैंपल्स आ रहे हैं जो कि बिलोंग करते हैं मिडिल एज से। अब उन 10 में कितने यस क्लास के सैंपल्स हैं, कितने नो क्लास के सैंपल्स हैं, वो 5 5 हैं। सो ये हम सिंपली इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, एंड इन 4 में सारे 4 मिडिल एज के यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और नो क्लास से कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, और इसकी हमारे पास जीनी इंडेक्स आ रहा है 0.3571। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द जीनी ऑफ मिडिल एज एंड सीनियर। तो सेम हम लोग उसी तरह कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3936, जो कि इक्वल है इक्वल जिनी। सो दिस इज जिनी ऑफ एज बिलोंग टू यूथ, और व्हेन जिनी इज इक्वल टू एज बिलोंग टू मिडिल एज एंड सीनियर। सो इन सब में कौन सा ऑप्टिमल सबसेट है, वो है चूंकि सबसे कम जीनी इंडेक्स की वैल्यू यूथ एंड सीनियर के लिए, तो ये स्प्लिट हम लोग चूज करेंगे। मीन्स के एज के एट्रीब्यूट के लिए, एज एट्रीब्यूट के लिए 2 पार्टीशंस या बाइनरी स्प्लिट जब हम इसे करेंगे या 2 वे स्प्लिट करेंगे, तो यूथ एंड सीनियर इज ऑन वन साइड एंड मिडल एज दूसरी साइड पे। सो इस तरह से बाइनरी स्प्लिटिंग करते हैं। पहले हम सारे सबसेट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं जीनी इंडेक्स उस एट्रीब्यूट के सारे सबसेट्स के लिए, फिर उनमें से ऑप्टिमल चूज करते हैं जिसका जीनी इंडेक्स सबसे कम होता है। ओके एक्चुअली ये थोड़ी एनिमेशन में प्रॉब्लम हो गई। अगर आप ये पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो ये सारी कैलकुलेशंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो नाउ हमें नेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए, अगेन जो कि हमारे पास इनकम का एट्रीब्यूट है, उसकी अगेन हमारे पास 3 सैंपल्स हैं। इसको इसके सबसेट्स पहले हम लोग बनाएंगे, जो कि लो मीडियम लो हाई, मीडियम हाई लो मीडियम एंड हाई, ये 6 इसके सबसेट्स बन गए। सो अगेन हमने इन सब के लिए जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करना है और ऑप्टिमल सबसेट चूज करना है। सो अगर हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करें कि लो के हमारे पास 4 सैंपल्स हैं, उनमें से 3 यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं एंड 1 नो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, मीडियम के 6 सैंपल्स हैं जिसमें 4 यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं एंड 2 नो क्लास से, सिमिलरली फॉर हाई 4 सैंपल्स हैं, 2 यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड 2 नो क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर हम पहले सबसेट की बात करें लो एंड मीडियम की, तो लो एंड मीडियम को अगर हम कंबाइन करें तो टोटल सैंपल्स 10 बन रहे हैं और हाई के टोटल सैंपल्स 4 बन रहे हैं। सो डी वन के सैंपल्स 10 हो गए, डी टू के सैंपल्स 4। सो इन 10 में क्या है,
आपके 7 यस क्लास से बिलोंग करते हैं एंड 3 नो क्लास से बिलोंग करते हैं. सिमिलरली फॉर D2, सो 2 यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, 2 नो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं. तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.4428. उसके बाद सेकेंड सबसेट विच इज़ लो एंड हाई, तो उसको अगेन अगर हम लोग 2 सबसेट्स के अंदर डिवाइड करें और उनकी वैल्यूज़ अगर यहाँ से टेबल से आप देखें, तो फार्मूला में इंटर करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.4583. एंड फॉर नेक्स्ट विच इज़ मीडियम एंड हाई, तो उसके लिए हमारे पास आंसर आ रहा है 0.45, जो कि इक्वल है जीनी ऑफ इनकम एंड लो. ओके, मीडियम हाई एंड लो, तो इसमें से सबसे ऑप्टिमल कौन सा है? लो, मीडियम एंड हाई, ये टू सब पार्टीशंस ऑप्टिमल है. उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट चूंकि एक बाइनरी एट्रीब्यूट है, तो इसके टोटल 7 सैंपल्स यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं एंड 7 नो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं. तो D1 7, D2 अगेन 7. यस के 7 में से 6 सैंपल यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं एंड 1 सैंपल नो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे अगर फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लेस करें, और सिमिलरली फॉर नो स्टूडेंट, नो 3 सैंपल्स यस क्लास से हैं, 4 सैंपल्स नो क्लास से हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.3673. चूंकि ये बाइनरी है, इसका एक ही सबसेट होगा और ये ही ऑप्टिमल होगा. सिमिलरली फॉर क्रेडिट रेटिंग, इसके लिए भी फार्मूला में वैल्यू प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.4285. ओके, सो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्टिमल स्प्लिट्स आपने फाइंड कर लिए उनका जीनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उनके जीनी इंडेक्स को देखते हुए आपने ऑप्टिमल स्प्लिट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद बारी है कि इन सारे एट्रीब्यूट्स के में से कौन सा एट्रीब्यूट ऑप्टिमल है, बेस्ट स्प्लिट कौन सा कर रहा है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीनी ऑफ डाटा सेट में से जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था विच इज 0.459, उसमें से हर एट्रीब्यूट का जो भी ऑप्टिमल उसका जीनी इंडेक्स होगा उसको माइनस करेंगे, और जो जिसका रिडक्शन इन इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होगा वो चूज़ होगा एज ए एट्रीब्यूट सिलेक्शन, यूज़ किया जाएगा एज ए बेस्ट एट्रीब्यूट. ओके, जो कि हमारे पास ई एच का एट्रीब्यूट है. ओके, सो बाइनरी स्प्लिट, बेस्ट बाइनरी स्प्लिट फॉर एज इज यूथ सीनियर और मिडिल एज विद मिनिमम जीनी इंडेक्स, एंड बेस्ट बाइनरी स्प्लिट फॉर इनकम इज मीडियम हाई एंड लो विद मिनिमम जीनी इंडेक्स. उसके बाद एज इज सिलेक्टेड विद मिनिमम जीनी इंडेक्स एंड हाईएस्ट रिडक्शन इन इम्प्योरिटी. ओके, सो एज हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो गया एज ए रूट नोड, और इसके बाद यूथ सीनियर एक सबसेट है और मिडिल एज दूसरा सबसेट है, तो इनके अकॉर्डिंग हमने डाटा सेट को स्प्लिट किया, पार्टीशंस की डाटा सेट की, तो हमारे पास 4 सैंपल्स इस साइड पे आ रहे हैं एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सैंपल्स हमारे यूथ एंड सीनियर साइड पे आ रहे हैं. सो अगर इनकी क्लासेस को एनालाइज करें तो मिडिल एज की सारी क्लासेस यस से बिलोंग कर रही हैं, जब और यहाँ पे हमारा सर्टेन डिसीजन हो रहा है कि अगर एज मिडिल एज है तो हमारी क्लास क्या होगी, यस. बट ऑन दी अदर हैंड, वेन वी हैव एज इज यूथ एंड सीनियर, हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिसीजन हम नहीं ले पा रहे, हमें फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग. सो इनके ऊपर हम लोग अगेन वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, पहले हमारे पास कंप्लीट डाटा सेट इन दोनों का कम्बिनेशन था, लेकिन अब हमारे पास डाटा सेट ये है, और इस डाटा सेट को देखते हुए हम लोग जो अभी तक हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको अगेन हमने इस डाटा सेट के लिए यूज़ करना है और इसको इनकी क्लासेस में कन्वर्ट करना है. सो इसका हमें आइडिया है कि ये यस क्लास से बिलोंग करती है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, सो इसके लिए हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने किया है. ओके, सो दैट्स इट. ये आपके पास एक एग्जाम्पल डाटा सेट है, इसके ऊपर आप, ये आपकी असाइनमेंट है, इसके ऊपर आपने स्कार्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है और इन रिस्पॉन्सेज के आपने आंसर्स करने हैं. आपने बेस्ट स्प्लिट कैलकुलेट करना है फॉर जेंडर, कार टाइप एंड शर्ट साइज, उसके बाद कंप्लीट डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग जीनी इंडेक्स
एंड एट द एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी और यू हैव टू फाइंड दी क्लास ऑफ दिस टेस्ट रिकॉर्ड। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में राइट करके पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।